I'm Tanisha. I'm the owner of Elanara Salon. It is situated in Pitampura. आज हम आपसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे कि किस तरीके से बिना आई मेकअप के भी आप अपने आईज़ को एनहेंस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात होती है कि हमें अपनी आईज़ को स्टडी करना चाहिए। कई बार होता है कि हम आई मेकअप कर रहे होते हैं या आई में लाइनर यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, बट हमें हमारी आईज़ के लिए ही नहीं पता होता कि हमारी आईज़ की शेप क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है कि हमें हमारी आईज़ की शेप को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हर तरह की आईज़ आते हैं, छोटे आईज़ होंगे, बड़ा आईज़ होगा। तो आप पहले अपने आई को स्टडी करिए कि आपकी आई शेप क्या है। हमारे साथ हैं पूजा। आप देख सकते हैं कि इनकी आईज़ मीडियम शेप वाइड आईज़ हैं। इसमें हम कुछ भी मेकअप कर सकते हैं, बट ये शायद बहुत ज़्यादा मेकअप करने वालों में से नहीं है, तो हम वो टिप्स बताएंगे जिसमें कि विदाउट हैवी आई मेकअप भी आप किस तरीके से अपने आईज़ को एनहेंस कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेप होगा आईलाइनर। जैसा कि उनकी वाइड आईज़ हैं बट मीडियम शेप आईज़ हैं, तो इसमें हमें एक्सटेंशन की तो ज़रूरत है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी आईज़ को बहुत वाइड दिखाएं। तो ऐसे में लाइनर की थिकनेस या कितना थिन रखना है वो अपनी मर्ज़ी से भी करा जा सकता है, बट हाँ, इनकी आईज़ को एक्सटेंशन की ज़रूरत ज़रूर है, तो हम इन्हें थोड़ा सा लेंथ देंगे। ऐसे ही हम दूसरे आई पे लगाएंगे। आईलाइनर अप्लाई करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे मस्कारा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मस्कारा। मस्कारा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लैशेस को थिकनेस देने के लिए एंड वॉल्यूम देने के लिए। अब जैसे कि हम देखते हैं कि पूजा की जो लैशेस हैं, पूजा की लैशेस की लेंथ कम है लेकिन डेंसिटी ठीक है, तो उसके लिए हम उनको वॉल्यूम भी दे सकते हैं और इससे उनकी लेंथ भी देखी थोड़ा। ज़्यादा वॉल्यूम के लिए आप मस्कारा का डबल एप्लीकेशन कर सकते हैं। मस्कारा के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा जनरली आईज़ को ब्राइट करने का, जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी मीडियम शेप आईज़ हैं, इसमें हमने लाइनर लगाया। अगर हम साथ में काजल लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी आईज़ छोटी लगने लगें, तो इसका एक और ऑप्शन है, आप वाइट काजल यूज़ कर सकते हैं। इससे इनकी आईज़ और वाइट भी लगेंगी, प्लस इनकी आईज़ छोटी नहीं लगेंगी, और तीसरी बात, इससे आईज़ में एक ब्राइटनेस आ जाती है। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि किसी की आईज़ डल लग रही हैं, तो ऐसे में आप वाइट लाइनर, वाइट काजल यूज़ करिए, वो आईज़ को ब्राइटनेस देता है। और इसी के साथ हमने वाइट काजल से उनकी आईज़ का कंप्लीट कर दिया है। ये इससे आपके सिर्फ आप खुद देखेंगे कि आईज़ को एक ब्राइटनेस मिल गई है, आईज़ डल नहीं लग रही हैं, छोटी नहीं लग रही हैं। इससे हमने लाइनर से उसको एक्सटेंशन दे दिया है, वाइट काजल से उसको ब्राइटनेस दे दी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा आईब्रो डिफाइनर। आईब्रो डिफाइनर से हमारी आईब्रोज को हम एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। किसी किसी का जो अगर नहीं है, फिलिंग नहीं है, इसको ऐसा नहीं करना है कि आईब्रोज को बिल्कुल फिल कर देना है, लेकिन आपकी आईब्रोज को फिल करते हुए एक प्रॉपर शेप देनी है और एक नेचुरल शेप को मेंटेन भी रखना है। अब हमारा लास्ट स्टेप होता है अंडर आई कंसीलिंग। इसके लिए हम जो शेड यूज करेंगे, एक शेड ये यूज़ करेंगे जो कि अंडर आई में जो भी डार्कनेस है उसको कट करेगा, उसे कवर करेगा।
करेक्टर शेड से कवरेज के बाद हम जो नेक्स्ट शेड यूज़ करेंगे वो उनके अंडर आई को इवन टोन देगा। फाइनली उनके बेस से फाइनल टच। अब आप देख सकते हैं हमारे फाइनल स्टेप के बाद बिना किसी हैवी आई मेकअप के, बिना किसी ओवरडू किए हुए, उनकी आईज़ कितनी एनहेंस कर रही हैं। हमने बहुत सिंपली छोटे छोटे टिप्स को ध्यान रखते हुए उनकी आईज़ को बहुत ब्यूटीफुल बना दिया है, जिसको आप इजीली कभी भी कैरी कर सकते हैं, कभी भी आप उसको अपने किसी भी फंक्शन में भी कैरी कर सकते हैं। Subscribe for more such informative videos.